YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सोमवार को डीआरडीए सभागार में खेलकूद एवं युवा नीति 2017 विषय पर प्रमंडल स्तर एक दिनी परिचर्चा सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। बतौर मुख्य अतिथि खेल सचिव राहुल शर्मा ने कार्यशाला का उद्घाटन करने के उपरांत कहा कि झारखंड प्रदेश में युवा वर्ग के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद एवं कला संस्कृति के क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं। बताया कि सरकार राज्य के युवाओं को पारंपरिक कला संस्कृति एवं खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से बृहद स्तर पर रोजगार देने की संभावनाओं पर कार्य कर प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्होंने विगत 10 वर्षों के दौरान युवाओं के समक्ष चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार किया है। इसके तहत डे बोर्डिंग सेंटर प्रखंडवार स्थापित करने की योजना है। खेल निदेशक रत्नेश कुमार ने इस मौके पर ऑडियो वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इसके विस्तार संशोधन एवं भावी दशा व दिशा तय करने के लिए विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके, युवा क्लब और कमल क्लब के प्रतिनिधि मौजूद रहे।